है ओके. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस नॉर्मल विक्टरेशन पासेस. विक्रम अपना ऑडियो स्विच ऑफ कर दो. ओके सो फर्स्ट आई विल डिस्कस नॉर्मल मैच्योरेशन पाथवे. हम लोग को तीन नर्व्स ध्यान रखनी है. एक है हाइपोगैस्ट्रिक, सेकेंड इज पेल्विक एंड थर्ड इज पुडेंडल. हाइपोगैस्ट्रिक इज सिंपथेटिक, पेल्विक इज पैरासिम्पथेटिक एंड पुडेंडल इज मोटर. ओके तो हाइपोगैस्ट्रिक का काम क्या है, पहले मैं इसकी रूट वैल्यूज भी बता देती हूँ. ये T10 to L2 है. पेल्विक जो है वो S2 to S4 है एंड इट सीम्स टू अराइज फ्रॉम ऑनस न्यूक्लियस. और जो मोटर नर्व है ये भी S2 to S4 में आती है, पुडेंडल नर्व. तो सिंपथेटिक जो स्टिमुलस है उसका काम क्या है कि वो जस्ट इमेजिन इट एज अ इमरजेंसी. जब इमरजेंसी होती है तो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन मैच्योरेटिंग, सो वी हैव टू स्टोर यूरिन. तो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है तो जो डिट्रेसर है वो रिलैक्स्ड रहता है और जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है. अब इसमें जो पेल्विक नर्व है उसमें जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट. हेलो, हाँ क्लास ले रही हूँ, क्लास ले रही हूँ. ओके तो जो पेल्विक नर्व है पैरासिम्पेथेटिक, उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होगा कि वो डिट्रेसर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा. सो इट विल मेक अस वॉइड एंड सिंपथेटिक विल मेक अस स्टोर यूरिन. और जो पुडेंडल नर्व है इसका डिट्रेसर पे कोई एक्शन नहीं होता है, इसका एक्शन स्फिंक्टर पे होता है. तो ये इंस्फिंक्टर का स्ट्राइटेड मसल इंस्फिंक्टर, वो भी मतलब पेल्विक नर्व का मेनली स्मूथ मसल इंस्फिंक्टर पे एक्शन होता है और पुडेंडल नर्व का स्ट्राइटेड मसल इंस्फिंक्टर पे एक्शन होता है. तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये पाथवे क्या है. तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्लैडर है उसमें ऑलरेडी सब यूरोथेलियल प्लेक्सस होता है. तो शुरुआत यहाँ से होती है. जब ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो हमारा सब यूरोथेलियल प्लेक्सस एक्टिवेट होता है और ये पेल्विक नर्व को सबसे पहले मैसेज भेजता है कि क्योंकि पेल्विक सेंटर इज इन्वॉल्व फॉर मैच्योरेशन, तो पेल्विक नर्व. सो ये पेल्विक नर्व के थ्रू सबसे पहले जो है सिग्नल जाता है दैट देयर इज एन नीड टू वॉइड. और वहां से फिर ये जाता है पेरी एक्विडक्टल ग्रे इन मिड ब्रेन एंड पेरी एक्विडक्टल ग्रे से ये पोन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर जाता है एंड पोन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर प्लस सुप्रा पोन्टाइन एरियाज ऑफ ब्रेन. सुप्रा पोन्टाइन एरियाज में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो है फ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, पैरासेंट्रल लोब्यूल, लिम्बिक सिस्टम और सिंगुलेट गायरस. तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें मेनली ये याद रखना है कि ये पॉन्टाइन और सुप्रा पॉन्टाइन सेंटर्स और मिड ब्रेन सेंटर्स ये जो है वो वॉइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड आफ्टर इनके प्रोसेस के थ्रू ये रिवर्स सिग्नल भेजता है फॉर वॉइडिंग दिस पॉन्टाइन एंड सुप्रा पॉन्टाइन सेंटर्स. सो दिस इज द नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैच्योरेशन. अब हम यूरोडायनेमिक्स पे आते हैं. तो यूरोडायनेमिक का ये जो बेसिक आर्मेटेरियम है जो हमारा भी सेटअप है इसको मैं यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है. तो हम लोग के पास एक्चुअली ये थर्ड जो कनेक्टर है वो नहीं है. ये तीन कनेक्टर्स होते हैं किसी भी यूरोडायनेमिक में, मतलब बिटवीन द पेशेंट एंड द यूरोडायनेमिक मशीन, जिसमें जो पहला होता है वो वेसाइकल प्रेशर के लिए होता है, सेकेंड एब्डोमिनल प्रेशर के लिए होता है और थर्ड यूरेट्रल प्रेशर के लिए होता है. इन अवर सेटअप वी हैव वेसाइकल एंड एब्डोमिनल. एज यू विल गो देयर यू विल सी कि ये थर्ड मिसिंग है, ये यूरेट्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री के लिए है. और फिर इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राम भी का भी फैसिलिटी होता है जिसमें तीन इलेक्ट्रोड्स होती हैं. दो इलेक्ट्रोड्स हमें यहाँ पेरिनियम में लगानी होती है और एक इलेक्ट्रोड हमें थाई में लगानी होती है.
ये थाई वाली जो है वो न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रोड है, और जो ये पेरिनियम वाली इलेक्ट्रोड है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स एज वेल एज इंस्फिंक्टर, इनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके एक इनका सम जो है वो हमें देता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यूरोडायनेमिक स्टडी. ओके, वी हैव टेकन द पेशेंट. पेशेंट की पोजीशन जो है वो सुपाइन सिटिंग या स्टैंडिंग तीनों हो सकती है, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसमें से बेटर कौन सी है. बेसिकली जो सुपाइन पोजीशन है वो जो पेशेंट्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर के आते हैं, मतलब जिनको की सेक्रल लीजन्स हैं, हु आर नॉट एबल टू गिव पोजीशंस, उनके लिए होती है. सिटिंग पोजीशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए है, और स्टैंडिंग पोजीशन भी कुछ जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट डिजायर टू वॉइड. कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो बिकॉज इट इज मोर फिजियोलॉजिकल, बट इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट. देयरफॉर इन अवर सेटअप वी डू सिटिंग पोजीशन. तो जब हम लोग इस मशीन में यहाँ देखेंगे तो हमें इस लेवल पे ये जो तीन जो कनेक्टर्स हैं, तो इसका मैंने पास से पिक्चर बताया है. ये हमें तीन इस तरह के ये दो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये वेसाइकल प्रेशर वाला है और ये एब्डोमिनल प्रेशर वाला है. और इसमें हमें देखेगा कि नीचे ये सिरिंजेस कनेक्टेड हैं, और ऊपर जो है ये तीन तरह के वॉल्व बने हुए हैं. तो ये जो अभी जो सेटिंग है इसमें अभी ये एयर को कनेक्टेड है, मतलब यहाँ ये डायरेक्ट जो है वो मशीन से कनेक्ट हो रहा है. दिस इज फॉर एयर एंड दिस इज कनेक्टेड विद द मशीन. तो ये जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसको सबसे पहले ये होता है कि जो भी हमने कैथेटर्स लगाए हैं, जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी, उनको हमें फ्लश करना होता है. तो हम इस वाले वॉल्व को ओपन करके और इनको भी इस डायरेक्शन में रख के हम इन्हें सबसे पहले फ्लश करते हैं. ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि कोई भी एयर बबल अगर किसी भी कैथेटर में होगा तो उससे डैम्पनिंग आ जाएगी. तो सबसे पहले हम लोग फ्लश करते हैं. उसके बाद फ्लश करने के बाद हम वॉल्स को इस तरह से घुमाते हैं कि ये दोनों वॉल्स हम बंद कर देते हैं और इन दोनों वॉल्स को हम एयर के लिए ओपन कर देते हैं. जब हम एयर के लिए इनको ओपन करते हैं तो हमें वेसाइकल प्रेशर और एब्डोमिनल प्रेशर और एज वेल एज डिटर्शियर प्रेशर तीनों जीरो दिखें. इस तरह से ये अगर ये तीनों जीरो देख रहे हैं, इसका मतलब हमारे कैथेटर्स जो है वो प्रॉपरली इंसर्टेड है और हमने फ्लश भी अच्छे से किया है. तो जब हम एयर से कनेक्टेड रखते हैं तो वेसाइकल, एब्डोमिनल और डिट्रेसर प्रेशर तीनों जीरो दिखेंगे. और जब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे कि एयर ब्लॉक हो जाए और ये मशीन से कनेक्टेड रहे, मतलब जो हमारे कैथेटर्स हैं उससे कनेक्टेड रहे, तब हमें वेसाइकल और एब्डोमिनल में एक्टिविटी दिखना चालू हो जाएगी जबकि डिट्रेसर फ्लैट रहेगा. और प्लस हम लोग इसे चेक करते हैं कफ इम्पल्स के थ्रू. जब पेशेंट कफ करता है तो हमें वेसाइकल और एब्डोमिनल प्रेशर में इस तरह की एक्टिविटी दिखती है, एक ट्रायंगुलर एक्टिविटी दिखती है, प्लस डिट्रेसर प्रेशर में एक बाइफेसिक ब्लिप दिखता है. तो अगर हमें ये जो कफ है ये हमें हर ऑलमोस्ट हर 5 मिनट में करवा के देखना चाहिए बीच बीच में, और इससे कैलिब्रेशन का पता चलता है. अगर ये वेसाइकल और एब्डोमिनल प्रेशर में इक्वल राइज है, इक्वल एंड सिमेट्रिकल राइज, इसका मतलब हमारी मशीन प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है. और डिटर्सर प्रेशर में या तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी या फिर एक छोटा सा बाइफेसिक ब्लिप होगा. अभी तक अब मैं इसमें ये बता देती हूँ कि हम कैथेटर्स क्या कनेक्ट करते हैं. तो हम दो तरह के कैथेटर्स कनेक्ट करते हैं. एक तो हम लोग करते हैं एब्डोमिनल कैथेटर, जो कि होता है रेक्टम में, और ये एक सिंगल ल्यूमेन कैथेटर होता है जिसमें कि एक बड़ा सा बल्ब होता है एंड में. ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम इस सिंगल ल्यूमेन रेक्टल कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम इसमें एक छोटा सा निक बना दें. क्यों? क्योंकि जब वो रेक्टम में ये बल्ब अंदर जाता है तो क्या होता है कि कभी कभी इस बल्ब का ही प्रेशर रिकॉर्ड होने लगता है. तो पर हमें क्या चाहिए, हमें रेक्टम का प्रेशर चाहिए. तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक निक बनाना पड़ता है जिससे कि ये रेक्टम का प्रेशर रिकॉर्ड करे. तो मेक श्योर कि जब भी आप यूडीएस कर रहे हो और आप जो रेक्टल कैथेटर है वो डाल रहे हो तो इसमें एक छोटा सा निक बना दें. ठीक है, फिर जो यूरेथ्रल कैथेटर होता है वो ड्यूअल ल्यूमेन होता है. उसके दो ल्यूमेन्स होते हैं, उसमें से एक ल्यूमेन फिलिंग के लिए होता है और एक ल्यूमेन जो है वो यूरेथ्रल प्रेशर बताने के लिए होता है.
तो ये ड्यूअल ड्यूअल लुमेन कैथेटर होता है, जनरली 8 फ्रेंच का होता है, और एंड इवन वी कैन यूज 2 फीडिंग ट्यूब्स आल्सो इन प्लेस ऑफ अ ड्यूअल लुमेन कैथेटर इफ वी डोंट हैव दैट, बट वी इन आर सेटअप वी डू हैव ड्यूअल लुमेन कैथेटर, तो हम इसको यूज करते हैं. तो इसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे ड्यूअल लुमेन कैथेटर, जो कि हम लोग को पेशेंट में एसेप्टिकली इंसर्ट करना है जेली के थ्रू, और उसके बाद हमें इसको स्ट्रैप कर देना है विद द पीनिस एंड थाई, इसको प्रॉपरली स्ट्रैप कर देना है, ये हिलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर. और रेक्टल कैथेटर को भी हम एनस के पास हम फिक्स कर देंगे. उसके बाद हम इससे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेशर्स जीरो करेंगे. अब ये प्रेशर्स क्या है, ये पी वेसाइकल एब्डोमिनल और डिप्रेसर. तो इसमें ये एक बेसिक जो यूरोफ्लोमेट्री है ये उसका ग्राफ है. तो हमें सबसे ऊपर जनरली एब्डोमिनल प्रेशर होता है, फिर वेसाइकल प्रेशर, फिर डिप्रेसर प्रेशर. इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो डिप्रेसर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू वेसाइकल प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर. तो हमारी जो डिप्रेसर प्रेशर हमेशा एक नेट वैल्यू होती है, तो इसीलिए जब हम इसको जीरो करते हैं, मतलब जब हम इसे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, एक प्रॉपरली कैलिब्रेटेड सिस्टम में डिप्रेसर एक्टिविटी जीरो आएगी और वेसाइकल और एब्डोमिनल प्रेशर में जो एक्टिविटी आएगी वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देगी. तो और जब एक्टिव जब हम स्टडी बिगिन करेंगे तो जो भी डिप्रेसर प्रेशर होगा वो इन दोनों का नेट सम हो नेट सब मतलब वेसाइकल प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर होगा, तो वो एक्टिविटी हमें इसमें दिखेगी. अगर कभी एब्डोमिनल एक्टिविटी नहीं है तो हमें सिर्फ वेसाइकल प्रेशर और डिप्रेसर प्रेशर इक्वल दिखेंगे, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग को ये कैलिब्रेशन करना है. तो एक्चुअली में व्हाट इज एक्चुअली बीइंग मेजर्ड इज द वेसाइकल प्रेशर एंड द एब्डोमिनल प्रेशर, जो दोनों रेस्पेक्टिव कैथेटर से हो रहे हैं, और डिप्रेसर प्रेशर का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है. और फिलिंग फेज में हमें ये तीनों दिखेंगे और वॉइडिंग फेज में हमें एक फ्लो रेट दिखेगा और ये फ्लो बताता है. सो देर आर टू फेजेस, देर इज अ फिलिंग फेज एंड देर इज अ वॉइडिंग फेज. दैट इज जब हम फिलिंग फेज में जब हम ब्लैडर को धीरे धीरे भरते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, और वॉइडिंग फेज में जब हम पेशेंट को वॉइड करने को कहते हैं तब क्या होगा. तो अब इसका तो फिर अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि अभी एक्सक्यूज मी तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग को और क्या क्या देखना है, मतलब हम लोग को किस तरह से कनेक्ट करना है और इसमें किस तरह से फिलिंग करनी है. तो फिलिंग फेस के लिए हमें ब्लैडर फिल करना है, इसके लिए हम एक नॉर्मल सलाइन की बॉटल को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द सिस्टम, और जो फिलिंग रेट है वो जनरली होता है 10% ऑफ टोटल ब्लैडर कैपेसिटी. तो हम लोग को ये एक प्री रिक्विजिट है कि हम लोग को एक एस्टिमेट ऑफ ब्लैडर कैपेसिटी पहले से पता होनी चाहिए, आइदर थ्रू द अल्ट्रासाउंड और कोई सिस्टोस्कोपिक मेजरमेंट हो. तो टोटल ब्लैडर कैपेसिटी का 10% हम इनिशियल फ्लो रेट रखते हैं. ऑल्सो अगर हमारे पास ये नहीं है, टोटल ब्लैडर कैपेसिटी हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट वेट डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स द फिलिंग रेट. ओके, सो वी कैन डिवाइड द पेशेंट्स वेट बाय 4 और वो हमें अप्रोक्सीमेटली फिलिंग रेट बताएगा. नॉर्मली 30 to 50 ml पर मिनट का फिलिंग रेट होता है. न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स में जनरली हम लोग इसको कम करके 10 ml पर मिनट कर देते हैं, क्योंकि उनका पुअर कंप्लायंस होता है जनरली ऐसे ब्लैडर्स का. तो अगर हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको कम फ्लो रेट रखेंगे और नॉर्मल फ्लो रेट हम 50 तक कर सकते हैं. देन अब इसमें क्या क्या सेंसेशंस होते हैं, मतलब जब हमने फिलिंग स्टार्ट कर दी तो अब पेशेंट को सेंसेशंस होंगे कुछ, जिसमें से जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी है उसने 3 4 प्रेशर्स को उसने वैलिडिटी दी है, जिसमें से फर्स्ट है फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग, फर्स्ट फिलिंग सेंसेशन, फिर फर्स्ट डिजायर टू वॉइड, देन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, एंड फोर्थ इज अर्जेंसी. तो इनका मैं डेफिनेशन वॉइस बता देती हूँ कि क्या कहते हैं. जो फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग है दैट इज द मोमेंट व्हेन यू परसीव दैट योर ब्लैडर इज नॉट एम्प्टी एनी मोर. फर्स्ट डिजायर टू वॉइड है,
दैट इज द फर्स्ट सेंसेशन दैट नॉर्मली टेल्स यू टू गो टू टॉयलेट विदाउट एनी हरी एट नेक्स्ट कन्वीनियंट मोमेंट. स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड इज विदाउट एनी पेन और एनी फियर ऑफ लूजिंग यूरिन एंड बट द पेशेंट विल नॉट पोस्टपोन वॉइडिंग एंड अर्जेंसी इज वेन इट इज एसोसिएटेड विद पेन. तो मेनली हमें स्ट्रॉन्ग डिजायर और अर्जेंसी में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पेशेंट को पेन होने लगे, जब वो बिल्कुल भी यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहा है और उसको पेन शुरू हो जाए सुप्रा प्यूबिक या फिर लीक होने लगे, तब हम उसे अर्जेंसी बोलेंगे. स्ट्रॉन्ग डिजायर इज जब वो नॉर्मली वॉशरूम जाता है. और फर्स्ट डिजायर टू अवॉइड ये है कि अगर उसे अभी यूरिन, अगर बोला जाए कि अभी उसे यूरिन करना है या बाद में करना है, तो वो बोले कि मैं बाद में कर सकता हूँ, मतलब पोस्टपोन कर सकता हूँ यूरिन. और जो फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग है उसमें पेशेंट को बस महसूस होगा कि उसके ब्लैडर में कुछ आ रहा है. तो ये इन चारों के बीच में एक्चुअली बहुत थिन लाइन होती है डिफ्रेंसिएशन की. मोस्टली हमें स्ट्रॉन्ग डिजायर और अर्जेंसी में डिफरेंस करना आना चाहिए. और फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग या फर्स्ट डिजायर टू वॉइड, ये 100 to 200 ml के बीच में होना नॉर्मल है. अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो जनरली इट इज परसीव्ड एज एबनॉर्मल. एम आई क्लियर अप टू दिस? यस मैम. ठीक है, अब इसमें हम आगे अब पैटर्न्स में जाते हैं कि हमें अब किसी भी यूरोफ्लोमेट्री में अभी यूरोडायनेमिक स्टडी में अभी तक कोई डाउट है, मतलब स्टडी कंडक्ट करने से रिलेटेड कोई और चीज आप पूछना चाहोगे कोई भी? इट्स क्लियर मैम. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ. अब मैं बताती हूँ कंप्लायंस क्या है. ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द ब्लैडर इज दैट द एन इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब जैसे एक बलून होता है. ठीक है, तो बलून में क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे हम एयर भरते जाते हैं तो वो अपने आप एक्सपेंड होता जाता है, फटता नहीं है. तो यही जो कैपेसिटी है वो एक तरह की कंप्लायंस है, उसको हम कहते हैं कि इसकी कंप्लायंस या फिर इलास्टिसिटी. इट्स बेटर टू से कंप्लायंस इज अनदर वर्ड फॉर इलास्टिसिटी, कि एक जब हम इतना वॉल्यूम भर रहे हैं तो उसमें चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है. सो कंप्लायंस इज गिवन बाय डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी. सो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चेंज इन प्रेशर हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं. अब ये कंप्लायंस अपने जो यूरोडायनेमिक स्टडी है उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके भी आता है, पर वो जनरली फॉल्स होता है. तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो बिगनिंग का फेस है, मतलब इसको जीरो ही ले लो, और जो MCC है, अर्जेंसी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी और अर्जेंसी, जो ये वाली वॉल्यूम है उसको आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो इससे आपको मान लीजिए ये 240 ml पे आया है और इस समय प्रेशर 40 है, जो डिट्रेसर प्रेशर है वो 40 है, तो इसको 240 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा. तो इस तरह से कंप्लायंस होता है. नॉर्मल कंप्लायंस इज मेनली टेकन मोर देन 30, और अगर एक्चुअली 30 टू 40 को नॉर्मल बोला गया है और मोर देन 40 हाई कंप्लायंस बोला गया है, पर हाई कंप्लायंस की कोई वो नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, और लो कंप्लायंस की सिग्निफिकेंस है. लो कंप्लायंस का मतलब ये हुआ कि ब्लैडर की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है, मतलब ब्लैडर की मसल्स जो है और ब्लैडर की वॉल है वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रही है. ठीक है, तो उसको अगर हमें ये कैलकुलेट नहीं भी करना है, तो अगर इतने चेंज ऑफ प्रेशर में अगर हमें अगर इतने चेंज ऑफ वॉल्यूम में हमें लग रहा है कि प्रेशर इतना इंक्रीज हो रहा है जैसे इस केस में हो रहा है, मतलब एक एबनॉर्मली हाई प्रेशर दिखेगा आपको. जनरली ये जो ग्राफ होता है वो बहुत स्लोली राइजिंग होता है, जैसा मैं रेड लाइन से अभी बना रही हूँ, पर इसमें जैसा दिख रहा है कि आपको बहुत वो है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा राइज हो रहा है अगर प्रेशर एक आफ्टर अ चेंज इन वॉल्यूम, तो आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये पुअर कंप्लायंस है, क्योंकि इतना हाई प्रेशर राइज इतना स्टीप राइज नहीं होता है. और कंप्लायंस को अगर हम लोग को चेक करना है कि ब्लैडर वाकई में कंप्लायंट है कि नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना फिल रेट स्लो कर लेना चाहिए. मतलब हम स्टडी के दौरान बैठे हुए हैं, फिलिंग चल रही है चल रही है चल रही है, अभी हमें दिख रहा है ऐसे ग्राफ राइज हुआ जा रहा है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये पुअर कंप्लायंस की तरफ जा रहा है, तो हम या तो फिलिंग को स्टॉप कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे.
अगर स्लो करने के बाद ये ग्राफ स्टेबल हो जाता है, यानी नीचे की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि वो फास्ट फिलिंग के कारण ऐसा हो रहा था, एंड एक्चुअली इट इज नॉट अ पुअर कंप्लायंट ब्लैडर, तो इसमें ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर फिलिंग स्टॉप करने या धीमे करने के बाद भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ा जा रहा है, मतलब इट इज अ ट्रू पुअर कंप्लायंस। ओके, तो इसमें मेनली यही हमें देखना है। तो हमें कंप्लायंस पे हमेशा कमेंट करना होता है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैं सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ी हूँ। सबसे पहले तो आप इसको, सब सिस्टम्स को जीरो करो। आप सबसे पहले देखो आपका कैलिब्रेशन अच्छा है कि नहीं। आप पेशेंट को कफ करने बोलो, उसके हिसाब से आप देखो कि ये प्रेशर वगैरह सब सही है कि नहीं, सबसे पहले वो चेक करो। फिर आप देखो कि एक चीज हमें और देखनी होती है कि जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो सीमिंगली हाई तो नहीं है। अगर एब्डोमिनल प्रेशर शुरू से ही बहुत हाई आ रहा है, इसका मतलब कि रेक्टम एम्प्टी नहीं है। मतलब ये भी एक प्री रिक्विजिट है कि हमें पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना होता है। पेशेंट शुड हैव हिज ब्लैडर एम्प्टी, सॉरी रेक्टम एम्प्टी। एंड अगर रेक्टम में ऑलरेडी कोई फीकल मैटर है या फिर कोई भी ऐसी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो एब्डोमिनल प्रेशर शुरू से ही बहुत ज्यादा हाई होगा, तो इसमें फॉल्स स्टडी आएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा इंश्योर करना है कि रेक्टम कैथेटर प्रॉपरली लगा हुआ है और उसमें कोई किसी तरह का स्टूल नहीं है। तो हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद हमने फिलिंग का रेट डिसाइड कर लिया। फिर जिस रेट में हमने चालू किया, हमें पेशेंट को कफ करवा करवा के बीच में देखते रहना है कि ये सिमेट्रिकल राइज है कि नहीं। और उसके बाद हमें फिर कंप्लायंस देखनी है। और अगर कंप्लायंस जो है हमें इस तरह का एलिवेटेड ग्राफ शुरू से ही दिख रहा है, तो हमें बीच में फिलिंग को स्टॉप या धीरे करा के फिर चेक करना है कि ये कंप्लायंस ट्रू है कि फॉल्स है। देन अब हम लोग फिर इस पे, अब हम लोग ने कंप्लायंस तक देख लिया। अब हम इसमें कमेंट करेंगे कि डिट्रेसर का कैसा, जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हमें फिर सेंसेशन नोट करते जाएंगे हम कि कितने कितनी देर में पेशेंट्स को सेंसेशन हो रहा है, तो उस समय हमें पेशेंट को बिना बात किए, हमें सिर्फ उसको उंगलियों के इशारे से हम उसको बताना बोलेंगे कि जब फर्स्ट डिजायर हो, हमें एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग क्या होती है, फर्स्ट सेंसेशन ऑफ डिजायर क्या होती है। और उसमें हमें बोलना है कि जब फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फिलिंग आए तो एक उंगली उठाओ, जब फर्स्ट डिजायर आए तो दो उंगली उठाओ, हम इस तरह से बोलते हैं। और जब अर्जेंसी आए तो पांचों उंगली उठा दो। तो पेशेंट को बात करने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि जब वो बात करता है तो एब्डोमिन में स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे कि स्टडी में फेलिसीज आएंगी। तो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि वो इशारों से बात करे। और इसके साथ जब हम लोग ने ये सेंसेशंस वगैरह चेक कर लिए, तो अब हम देखेंगे डिट्रेसर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला फीचर जो मैं डिट्रेसर के पैटर्न में बता रही हूँ, वो है डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी का। तो डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी के टाइप्स हैं, इट कैन बी फेसिक, इट कैन बी टर्मिनल, इट कैन बी इडियोपैथिक और इट कैन बी न्यूरोजेनिक। नॉट गोइंग मच बाय द डेफिनेशन, इसको पहचानना सीखते हैं। ये फेसिक डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी है, यानी कि इसमें क्या होगा कि पेशेंट का धीरे धीरे, मतलब विथ टाइम इसका धीरे धीरे ग्राफ का एरिया और ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा। सो दिस इज अ फेसिक डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी। वॉट इज हाई प्रेशर डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी? जब पहले डिट्रेसर प्रेशर नॉर्मल रहेगा और फिर अचानक से हमें कॉन्ट्रेक्शन मिले बीच में, एंड दिस कॉन्ट्रेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद वॉइडिंग, तो इस तरह की कॉन्ट्रेक्शन जो है वो हाई प्रेशर डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी है। नाउ देयर इज अ कफ इंड्यूस्ड डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी, की कफ करने के बाद ही पेशेंट को डिट्रेसर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड देन वन मोर, एक्चुअली आई हैव नॉट एडिड द स्लाइड। इसमें एक टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी भी होती है कि जब हम पेशेंट को वॉइड करने को कहते हैं, तो मतलब शुरू से ही उसमें कुछ ओवर एक्टिविटी आती है और फिर एकदम से एक बहुत बड़ी ओवर एक्टिविटी आती है, जिसमें कि फिर वॉइडिंग फेस आ जाता है पेशेंट का, तो इसको टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी बोलते हैं। टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी में जो वॉइडिंग होती है उसको फॉल्स वॉइडिंग कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली दिस इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर विच द पेशेंट इज अप्लाइंग। ये एक ओवर एक्टिविटी का ओवर एक्टिविटी का वेव होता है जो कि उसके वॉइडिंग फेस को ओवरलैप कर लेता है, तो इस केस में हमें वॉइडिंग फेस रिपीट करना होता है। नाउ दिस ऑल आई हैव नॉट डन प्रैक्टिकली, दिस इज ऑल थियोरेटिकल, बट इफ वी इंकाउंटर सच सिचुएशन, हमें इसका वॉइडिंग फेस रिपीट करना चाहिए। देन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इसमें यूरोडायनेमिक है, तो उसमें क्या होगा, फास्ट ब्लैडर कहते हैं उसको। मतलब इसमें ये जनरली पेशेंट, एक नॉर्मल फीमेल का जो क्यूमेक्स है
वो 30 to 35 होता है, यानी कि जो मैक्सिमम फ्लो रेट, ये जो मैक्सिमम पीक है, ये 30 to 35 होता है। अगर ये उससे भी ज्यादा आता है, प्लस ये 1/3 ऑफ द टोटल ट्रेसर के पहले आ जाता है, तो इसको फास्ट ब्लैडर कहते हैं। मतलब ये जो पीक है, ये इस पूरे ड्यूरेशन के 1/3 में नॉर्मली होता है। अगर ये जल्दी, अगर ये लेट आता है तो ये डिलेड है, अगर ये जल्दी आ जाता है तो ये फास्ट है। तो इस तरह का जो फास्ट ब्लैडर है, दैट इज जनरली सीन इन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और जनरली इसमें हम देखेंगे कि जब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगा, तो एक तो उसको कफ के साथ लीकेज रहेगी, यहाँ पे देखिए जैसे लीक प्रेजेंट है, और प्लस उसका वॉइडिंग फेस में जो डिट्रसर एक्टिविटी है वो बहुत लो स्लोप रहेगी। अब ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना कितना डिट्रसर एक्टिविटी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल डिट्रसर एक्टिविटी है, दैट इज अप समथिंग बिटवीन 30 to 60, अप टू 60 कह सकते हैं। जब वो वॉइड करता है तो मेनली 60 से ज्यादा ही होती है। ड्यूरिंग वॉइडिंग जो डिट्रसर प्रेशर है वो जनरली 50-60 से ज्यादा ही होता है। अगर वो उससे कम है, अगर इस तरह से ये, जैसे इसमें बहुत कम लग रहा है, इसमें 10 या 20 लग रहा है, तो वो अंडर एक्टिव डिट्रसर है। और अगर वो 100 से भी ज्यादा है, कभी कभी मोर देन 100 हो जाता है, तो वो डिट्रसर ओवर एक्टिविटी है। और या फिर नॉट एग्जैक्टली ओवर एक्टिविटी, मीन्स इट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम। तो अगर अंडर एक्टिव ब्लैडर है, तो हम लोग देखेंगे कि डिट्रसर का स्लोप इतना कम है। और अगर हम लोग एक ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ये डिट्रसर 100 को भी क्रॉस कर जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये हाई प्रेशर सिस्टम है कि लो प्रेशर सिस्टम है। इसी तरह फ्लो, फ्लो अगर हम लोग देखें, तो नॉर्मली मेल्स में ये अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड मेल तक ये 25 ml पर सेकेंड होता है। मोर देन 60 ईयर्स में ये 15 ml पर सेकेंड तक नॉर्मल होता है। और जो फीमेल्स हैं उसमें, जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 30 to 35 तक नॉर्मल रहता है, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रल रेजिस्टेंस कम होती है, तो इसलिए उनका फ्लो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर हमें इन सब फ्लो के रेट से कम फ्लो मिलता है, तो फिर ये लो फ्लो है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, लो प्रेशर लो फ्लो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर एक्टिव ब्लैडर, एंड हाई प्रेशर लो फ्लो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब हम लोग पेशेंट को, इसीलिए जब पेशेंट वॉइड नहीं कर पाता है, तो वो स्टडी जो है वो उस पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को ये प्रेशर और फ्लो का कॉम्बिनेशन ही फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचाता है। तो अपने सेटअप में कई बार होता है कि पेशेंट वॉइड नहीं कर पाता, इस सिचुएशन में हम लोग कभी भी स्टडी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। भले ही हमें उसकी डिट्रसर एक्टिविटी हाई या लो जैसी भी दिख रही हो, हम उसको मेंशन कर देंगे, बट हम फाइनल डायग्नोसिस नहीं बता सकते अंटिल एंड अनलेस पेशेंट वॉइड्स प्रॉपरली, देन ओनली इट इज नोन एज कंप्लीट स्टडी। तो हमें ये कॉम्बिनेशन याद रखना है इन दोनों चीजों का, और मेनली तो हमारे सेटअप में इन दोनों चीजों की इम्पोर्टेंस है। हमें मेनली लो प्रेशर लो फ्लो और हाई प्रेशर लो फ्लो जो है हमें पहचानना है। तो अगर हाई प्रेशर लो फ्लो सिस्टम होता है, तो वो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, और लो प्रेशर लो फ्लो है, तो वो अंडर एक्टिव ब्लैडर है। और बाकी सारे डायग्नोसिस जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड ऑल, दीज आर कंपेरेटिवली रेयर डायग्नोसिस। अब इसमें जैसे कि मैं बता रही थी, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हाई प्रेशर है और इसमें लो फ्लो है। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह से यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि कभी कभी डिट्रसर ओवर एक्टिविटी और ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एक साथ होता है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा कि हमें पूरे टाइम इसमें डिट्रसर में ये ओवर एक्टिविटी के ऐसे पीक्स मिलेंगे। मतलब हम इसको पुराने उससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरू से ही या तो ये हाई प्रेशर था, या फिर इसमें एक ऐसा स्लोप आएगा जो कि एकदम लास्ट में ये हाई प्रेशर बनेगा। पहले शुरू में ये लो प्रेशर ही रहेगा, फिर वॉइडिंग के समय हाई प्रेशर बनेगा। तो ऐसे जो ग्राफ से बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के। और अगर हमें एक ऐसा ग्राफ मिल रहा है जिसमें पहले से ही ओवर एक्टिविटी है, तो इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर भी बोल सकते हैं, जिसमें साथ में आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लो फ्लो है और इसमें कोई लीक नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिट्रसर ओवर एक्टिविटी भी है और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी है।
फिर ये एक एंटाइटी है, डिट्रेसर इन स्फिंक्टर डिसिनर्जिया, जिसमें ये जिस ग्राफ मुझे मिला तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया है कि इसमें हमें इस तरह से इंटरमिटेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेट्रल स्फिंक्टर होती है. व्हाट इज डिट्रेसर इन स्फिंक्टर डिसिनर्जिया? इट इज द ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूरेट्रल स्फिंक्टर ड्यूरिंग वॉइडिंग फेज. मतलब इट इज नॉट इन सिनर्जी विद द ब्लैडर, क्योंकि जनरली जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, ये साइकिल चलता है. अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होता है, इन स्फिंक्टर इज नॉट इन सिंक विद द ब्लैडर कॉन्ट्रेक्शन, देन इट इज नोन एज डिट्रेसर इन स्फिंक्टर डिसिनर्जिया एंड इट इज सीन इन मेनी न्यूरोजेनिक ब्लैडर कंडीशंस. तो इस केस में हमें क्या दिखेगा कि हमें पूरी डिट्रेसर की भी इस तरह से ओवर एक्टिविटी दिखेगी और उसके साथ साथ हमें ये इंटरमिटेंट टाइप का फ्लो मिलेगा. तो ये जो है ये डिट्रेसर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया जैसा पैटर्न है. ये भी एक तरह की रेयर फाइंडिंग ही है. एक बार मैं यहाँ पे सब्सिक्वेंटली फ्लोज के टाइप डिस्कस कर लेती हूँ जो कॉमन फ्लोज है. मतलब यूरोफ्लोमेट्री पे या फिर यूडीएस में जो कॉमन फ्लोज होते हैं, ये जो है इस तरह का फ्लो जो है वो नॉर्मल फ्लो है, जिसमें कि पीक जो है ये 25 ml पर सेकेंड है और ये जो पीक है ये 1/3 ऑफ द टोटल ग्राफ पे आ रहा है. तो ये इस तरह का अगर हम इसे नॉर्मल माने तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि पीक जो है वो मोर देन हाफ के बाद आ रहा है और ये एक प्लेट्यू की तरह दिख रहा है, तो ये इट इज जनरली इंडिकेटिव ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन लाइक प्रोस्टेटोमेगली. तो इस तरह का ग्राफ आएगा, जबकि एक बॉक्स शेप पैटर्न आएगा, इस तरह से एक बॉक्स शेप पैटर्न आएगा तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रक्चर. और अगर इस तरह का इंटरमिटेंट फ्लो आएगा तो आइदर इट इज ड्यू टू अंडर एक्टिव ब्लैडर दैट द पेशेंट इज एब्डोमिनली एब्डोमिनल स्ट्रेन कर रहा है वो, या फिर ये डिट्रेसर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया बता रहा है. अब ये अंडर एक्टिव डिट्रेसर का जैसे मैंने बताया लो प्रेशर लो फ्लो सिस्टम, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि पेशेंट का इंटरमिटेंट वॉइडिंग पैटर्न है और वो एब्डोमिनल स्ट्रेन भी कर रहा है. यहाँ पे एब्डोमिन में भी इस तरह की एक्टिविटी है कि वो ड्यूरिंग वॉइडिंग फेज वो जो है वो स्ट्रेन कर रहा है और उसके बाद भी डिट्रेसर प्रेशर बहुत ही कम है. डिट्रेसर प्रेशर 40-60 तक भी नहीं पहुंच रहा है. इसका मतलब ये अंडर एक्टिव ब्लैडर है और फ्लो भी बहुत पुअर है, इंटरमिटेंट पैटर्न है. तो ये टिपिकली लो प्रेशर लो फ्लो सिस्टम है एंड इट इज अंडर एक्टिव डिट्रेसर. इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, जैसे कि रेडिएशन. हमारे यहाँ बहुत सारे रेडिएशन सिस्टाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, या फिर कोई उनमें प्रीवियस सर्जरी हुई हो, या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण, टीबी के कारण ऐसे जो होते हैं. तो इन केसेस में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस डायग्राम में समराइज्ड हैं कि इनमें फर्स्ट सेंसेशन की डिक्रीज हो जाएगी, कंप्लायंस पुअर रहेगी, ब्लैडर पेन रहेगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी. और अगर ये एक वीडियो यूरोडायनेमिक्स का पिक्चर है कि इसमें हमें ओपन ब्लैडर नेक मिलेगा, वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स मिलेगा, स्ट्रेस इनकंटिनेंस मिलेगा, तो इस तरह का अगर पिक्चर रहेगा तो इसमें भी हमें लो प्रेशर लो फ्लो सिस्टम रहेगा विथ पुअर कंप्लायंस. तो और इसमें सेंसेशंस बहुत अर्ली होंगे, कैपेसिटी बहुत छोटी होगी, तो इससे हम बता सकते हैं कि ये एक नॉट ओनली इट इज अ लो फ्लो लो प्रेशर सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स हमें मेनली अपने डायग्नोसिस को चेंज करना है, पर मेनली हमें ये याद रखना है कि हाई प्रेशर लो फ्लो और लो प्रेशर लो फ्लो क्या होता है. और बाकी सबसे पहले हमें ये कैरेक्टराइज करना है, हमें कंप्लायंस के बारे में बताना है और उसके बाद अपना डायग्नोसिस सब्सिक्वेंटली मॉडिफाई करना है. फिर एक चीज है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था. अब इससे इसमें जनरली कैसे पैटर्न रहते हैं कि ड्यूरिंग फिलिंग फेज ये जनरली फ्लैट रहता है, ड्यूरिंग वॉइडिंग फेज इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारी जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, और उसके तो इसीलिए वॉइडिंग फेज में इसकी एक्टिविटी बढ़ सॉरी वॉइडिंग फेज से पहले फिलिंग फेज में इसकी एक्टिविटी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, वॉइडिंग फेज में इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि ब्लैडर रिलैक्स सॉरी इन्सफिंक्टर रिलैक्स हो गया है एंड इट इज अलाउइंग टू वॉइड. तो वॉइडिंग फेज में हमें इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और जब जैसे जैसे फिलिंग हो रही है, जैसे जैसे वो ब्लैडर जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है यूरिन को, तो इसकी एक्टिविटी हमें बढ़ी हुई मिलेगी. तो ये जो पैटर्न है वो नॉर्मल है. तो इस तरह का पैटर्न या फिर इस तरह का पैटर्न ऐसे नॉर्मल होता है. अब जैसे इसमें भी है, ये नॉर्मल है कि जब इसकी फिलिंग इंक्रीज हो रही थी
मैं सिर्फ इलेक्ट्रोमायोग्राफी की बात कर रही हूँ इसमें, कि जब इसकी फिलिंग इंक्रीज हो रही थी तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, और जैसे ही इसने वॉइड करना चालू किया ये रिलैक्स हो गया, और जब वॉइडिंग फेज खत्म हो गया तो वापस इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, ये नॉर्मल है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि पहले ड्यूरिंग फिलिंग फेज इसका ग्राफ फ्लैट था और ड्यूरिंग वॉइडिंग बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका इंस्फिंक्टर डिसएनर्जी आया इसके साथ, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम लोग इसके थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। एक और चीज मुझे जो डिस्कस करनी थी, जो प्रीवियस स्लाइड्स में मिस हो गई, वो है एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर और डिप्रेसर लीक पॉइंट प्रेशर। ये प्रेशर्स जो हैं, ये इसमें से एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर जो है, दैट इज द मिनिमल इंट्रावेसाइकल प्रेशर इन विच देयर इज लीकेज ऑन इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में होता है, जब पेशेंट का एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तब पेशेंट को लीकेज हुई, और उस समय जो इंट्रावेसाइकल प्रेशर था दैट इज रिकॉर्डेड एज एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर। तो ये जो है, ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस में इसकी सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज उतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के समय ये बताता है कि इसमें इंट्रिंसिक इंस्फिंक्टर डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी की वजह से हो रहा है, जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो अगर ये लेस देन 60 है, एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर की वैल्यू लेस देन 60 है, तो इट इज इंट्रिंसिक इंस्फिंक्टर डेफिशिएंसी। मोर देन 90 है तो इट इज यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी, एंड इफ इट इज बिटवीन 60 to 90 इट इज इक्विवोकल। और एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कफ लीक पॉइंट प्रेशर और एक होता है वेल्सेल्वा लीक पॉइंट प्रेशर। तो कफ लीक पॉइंट प्रेशर जो है वो, एज द नेम सजेस्ट, कफ करते समय अगर लीकेज हो तो, और वेल्सेल्वा लीक पॉइंट प्रेशर जब वेल्सेल्वा करते समय लीकेज हो तो जिस पेशेंट में हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सस्पेक्ट कर रहे हैं उस पेशेंट में हमें ALPP देखना चाहिए। और डिट्रेसर लीक पॉइंट प्रेशर इज दैट डिट्रेसर प्रेशर, जो मिनिमम डिट्रेसर प्रेशर जिसमें कि लीक हो रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्शन इन एब्डोमेन और डिट्रेसर। मतलब ये एक तरह का सिग्निफाई है, ये सिग्निफाई करता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर को। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में अगर ये प्रेशर जो है, मतलब कई बार न्यूरोजेनिक ब्लैडर में लीक होती है पेशेंट्स को, तो हमें उस समय उनका डिट्रेसर प्रेशर देखना चाहिए, जो लीक जब हुई है तो उस समय उसका डिट्रेसर प्रेशर क्या है। और अगर वो डिट्रेसर प्रेशर जो है वो मोर देन 40 है, इसका मतलब इट इज डेंजरस एंड इट विल कॉज अपर ट्रैक डैमेज। मतलब अगर पेशेंट को एक मिनिमम डिट्रेसर प्रेशर पे लीक हो रहा है और इतना मिनिमम प्रेशर इसका बना है, मतलब 40 तक बन रहा है और 40 से ऊपर बन रहा है, इसका मतलब इसे अपर ट्रैक डैमेज होने के ज्यादा चांसेस है। मतलब आप इमेजिन करो कि इसमें मोर देन 40 प्रेशर है और तब पेशेंट को लीक भी हो रहा है, तो इसका ऑब्वियसली लीक तो थोड़ा बहुत ही होगा, मेनली तो स्ट्रेस अपर ट्रैक्स पे पड़ेगा। तो इसीलिए डिट्रेसर लीक पॉइंट प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स के केस में जिनमें लीक प्रेजेंट हो, टू सी वेदर दिस प्रेशर इज डेंजरस एनफ टू कॉज अपर ट्रैक डैमेज। तो ये दो टाइप के लीक पॉइंट प्रेशर्स थे जिनकी एक्चुअली थ्योरेटिकल वैल्यू भी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिर ये अब मैं क्वेश्चन, ये मेरा बेसिक जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना ही था। न्यूरोजेनिक ब्लैडर की जो थ्योरी है और जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट है वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एटलीस्ट एक बेसिक यूरोफ्लो में यूरोडायनामिक स्टडी पढ़ना मैंने बताया है, और टू चेक इट वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, ये मैंने कुछ ग्राफ्स लिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हो कि ये इसका डिट्रेसर प्रेशर है जो कि यहाँ ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे ये फ्लो है इसका। तो इसका आप कोई गेस कर सकता है ये क्या सिग्निफाई करता है ये? मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रहा आपका। यही स्लाइड है जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये विजिबल है? अभी कौन सी स्लाइड पे है ये? चेंज हुआ? यस मैम, स्टोरेज फेस एंड वॉइडिंग फेस आया था। नहीं, ये वाली जो स्लाइड अभी करंट लगी हुई है वो दिख रहा है जिसमें मैंने EMG समझाया था। जी मैम, हाँ, इस स्लाइड का डायग्नोसिस बताओ, इसमें क्या समझ रहे हो?
पहले देखो कि एब्डोमिनल प्रेशर, वेसिकल प्रेशर और डिटरसर प्रेशर का रिलेशन कैसा है। फिर ये देखो कि क्या तुम्हें डिटरसर में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी लग रही है या ओवर एक्टिविटी लग रही है क्या, और फिर इसका फ्लो से रिलेशन देखो। मैम, इट इज इंडिकेटिव ऑफ आई थिंक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। यस करेक्ट, ये आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है सीधा सीधा। इसमें हम लोग को कोई ऐसी ओवर एक्टिविटी नहीं दिख रही है क्योंकि ये बेसलाइन से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉइडिंग फेस में ही प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, ये 200 के करीब चला गया है, और इसमें फ्लो बहुत पुअर है। तो दिस इज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसका डायग्नोसिस है। नाउ द सेकेंड वन, इसको बताइए। मैम, इट इज अंडर एक्टिव ब्लैडर। या इट इज अंडर एक्टिव ब्लैडर, उसके साथ कुछ और दिख रहा है। स्पाइक्स ऑफ डेट्रोसर ओवर एक्टिव, फेसिक डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी। एसोसिएटेड विथ लीक ओके मैम। है ना, इसमें लीक भी है। तो इसका कफ इंड्यूस्ड डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी विथ इनकॉन्टिनेंस इज देयर। फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इसमें थ्योरी में जब इसको एक्सप्लेन करते समय लिखा था कि यहाँ पे वी आर आस्किंग पेशेंट टू कफ, और जितनी बार भी उसको कफ कर रहे हैं उसको ओवर एक्टिविटी भी हो रही है और साथ में लीक भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें मतलब इसको क्लिनिकली भी कोरिलेट करना पड़ेगा। नाउ दिस वन, एनीवन कोई बताएगा। हम इस पेशेंट एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग इज प्रेजेंट देयर। नहीं, स्ट्रेनिंग नहीं बोलोगे इसको, ग्राफ फ्लैट है। डीएसडी है मैम। डीएसटी तो अभी तुम कमेंट नहीं कर सकते, इसका इलेक्ट्रोमायोग्राम नहीं है। ये भी तो एक तरह का हाई प्रेशर लो फ्लो सिस्टम ही हुआ ना। फ्लो इसका भी अच्छा नहीं है, 15 से नीचे लग रहा है। ठीक है, प्रेशर ठीक ठाक है, मतलब इट्स नॉट डेट हाई, पर 100 तक होगा। अगर ये 200 है ऊपर तो ये 100 तक होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर पैटर्न बता रहा है। ठीक है, ओके मैम। फिर ये वाला देखो। ये तो क्लियर है, इसमें तुम ये इसको तुम डिट्रेसर इन स्फिंक्टर डिसएनर्जिया बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्फिंक्टर में कोई कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नहीं है, है ना। यहाँ पे इस तरह से एक अनइवन सा ग्राफ आ रहा है, और एंड इट इज लो प्रेशर लो फ्लो सिस्टम। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर है विद डिट्रेसर डिस्फिंक्टर डिसएनर्जिया। तुम लोग मेनली ये पहचान लो कि लो प्रेशर लो फ्लो क्या है, हाई प्रेशर लो फ्लो क्या है, तो इससे इजी हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो कमेंट कर लो, फिर बाद में डिस्ट्रेसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया एंड ऑल जो है उसके लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम देखना पड़ेगा, या फिर हमें यूरेट्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री करवानी पड़ेगी, तो वो बात की बात है। इसमें मेनली हमें ये देखना है कि देखो डिस्ट्रेसर प्रेशर लो है और फ्लो भी लो है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना बता दो कि इसमें ये लो प्रेशर लो फ्लो सिस्टम विद डिस्ट्रेसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया है, प्लस ऑल्सो देयर इज ओवर एक्टिविटी, एसोसिएटेड डिस्ट्रेसर ओवर एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे देख रहे हो कि पहले ये इतना ऊपर गया और फिर ये नीचे आ रहा है, तो इसमें बीच बीच में डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी भी है। मतलब एक मैंने जो पहले ग्राफ्स दिखाए थे उसमें कैसे एक बेसलाइन राइज से एक स्टीप राइज हुआ था,
और इसमें तुम्हें पहले से ही एक्टिविटी दिख रही है इस तरह से, तो इसको तुम रिट्रेसर ओवर एक्टिविटी बोल सकते हो. ओके okay? तो इसको वही बोलेंगे कि इट इज न्यूरोजेनिक रिट्रेसर ओवर एक्टिविटी विद रिट्रेसर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया. अब मैं इसको भी बता देती हूँ. ये एक्चुअली इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इन्होंने इसके वो 925 ml में फर्स्ट सेंसेशन हुआ है और इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 1182 ml है. तो इसमें हम और इसने वॉइड सिर्फ 585 ml किया है, तो इसी पिक्चर से समझ में आ जाएगा कि इसको अंडर एक्टिव ब्लैडर है. ठीक है, मतलब तुम्हें हर बार ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ये वैल्यूज ही बता रहे हैं एंड दैट इज इन सिंक विद दैट. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लो प्रेशर है, इसका फ्लो रेट अच्छा है, बट फिर भी इतने कम प्रेशर में इसको इतना फ्लो हो रहा है. तो एंड दैट वॉइडेड वॉल्यूम इज नॉट एनफ, इसका पीवीआर इतना हाई है, तो इट इज डेफिनेटली अंडर एक्टिव कंपोनेंट है इसमें. प्लस इसमें ड्यूरिंग वॉइडिंग इसमें हमें इलेक्ट्रोमायोग्राम की एक्टिविटी बढ़ गई है, विच इज रिवर्स एक्चुअली. मतलब पहले बढ़नी चाहिए और बाद में कम होनी चाहिए, तो इसमें एक तरह का डिप्रेसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया भी है साथ में. तो इसमें हमें वही डायग्नोसिस बना है कि हाइपोसेंसिटिव लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर विथ लो डिप्रेसर प्रेशर सेकेंडरी टू ओवर डिस्टेंशन एंड इंक्रीज ईएमजी एक्टिविटी इज कंपेटेबल विथ डिप्रेसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया और पेविक फ्लो डिसएनर्जिया. ये समझ में आया ये वाला ग्राफ? यस मैम. ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग मेनली ना सिर्फ हम लोग को ग्राफ्स की वैल्यू देखनी होती है, हमें ये वैल्यूज भी देखनी होती है कि फर्स्ट सेंसेशन कब है, फर्स्ट वॉइड कब है, कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉइड कर रहा है. अगर उसकी सोचो 1185 की कैपेसिटी और वो सिर्फ 585 वॉइड कर रहा है, तो पहले ही समझ में आ गया कि इसका कंप्लायंस अच्छा नहीं होगा, ये अंडर एक्टिव ब्लैडर होगा जो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है. तो इसके थ्रू भी अपन एक गेस बना सकते हैं. ये बताओ, यहां पे डिप्रेसर प्रेशर देखो और फ्लो देखो पहले. हाँ, लो प्रेशर लो फ्लो हो गया मैम. लो प्रेशर लो फ्लो तो है ही, ठीक है. फिर बाद में ये कुछ इसकी डिप्रेस ये स्फिंक्टर की एक्टिविटी भी सही नहीं लग रही है, ये बीच में इतने ज्यादा स्पाइक्स हैं. अदरवाइज इसमें कोई लीक नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसे हाई डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी के साइंस नहीं है. तो इट इज बेसिकली डिट्रेसर अंडर एक्टिविटी, बस इतना ही. ठीक ओके. है, ये देखो, इसमें ये प्रेशर देखो और ये फ्लो देखो. हाई प्रेशर लो फ्लो हो गया मैम. हाई प्रेशर लो फ्लो तो है ही है ना. अब इसमें थोड़ा थोड़ा डिप्रेसर ओवर एक्टिविटी भी दिख रहा है बीच बीच में. फाइनल देखते हैं, वही है ब्लैडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिप्रेसर ओवर एक्टिविटी, सिंपल. ओके मैम. इतना तो पहचान लोगे ना, यस मैम. बस यही पहचानना है अभी के लिए. इसमें बता दो, ये भी एक वो ग्राफ है. क्या लग रहा है इसमें? इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ग्राफ्स में इसमें बहुत सारी डिट्रेसर ओवर एक्टिविटीज हैं. मैंने एक चीज बताई थी ना कि टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी में कभी कभी पेशेंट जो है वो वॉइडिंग फेस जो है वो टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी के साथ आ जाता है. तो ये वही चीज है कि इसमें मल्टीपल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी के स्पाइक्स थे जिसमें इसकी लीक भी था, और जब एक टर्मिनल डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी का फेस आया तो पेशेंट का वॉइडिंग फेस बन गया. तो ये वो वाला ग्राफ है, ठीक है, इसका भी जस्ट एक पिक्चर ध्यान रखना. इसमें वही है, डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी विथ इनकंटिनेंस है और वॉइडिंग फेस में हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्मिनल कॉन्ट्रेक्शन में इनिशिएट हुआ है, इसका ये रूल है बस. ओके okay? जी मैम. ठीक है, अब ये बताओ,
इसमें भी वही है, डिट्रेसर ओवर एक्टिविटी है मल्टीपल, और उसके साथ साथ लो फ्लो है, सो इट इज डिस्ट्रेसर ओवर एक्टिविटी एंड ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बोथ, क्योंकि जो वो था इसमें जो ये ग्राफ है, इट वाज काइंड ऑफ, इसका प्रेशर तो अच्छा है ना, मतलब ओवर एक्टिविटी है बट प्रेशर इज नाइस, इट इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो फ्लो, तो हमें इसकी बाकी इमेजिंग के साथ भी इसको कोरिलेट करना होगा, इसका प्रोस्टेट बड़ा होगा तो, एंड इसमें इसने वीडियो यूरोडायनेमिक्स किया है तो इसके इसने इसलिए कोरिलेट किया कि इट इज सेकेंडरी टू प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. ओके क्लियर, यस मैम। तो अभी के लिए इतना ही है. हम लोग बाकी जो ट्रीटमेंट्स है और पैथोफिजियोलॉजीज है बाकी चीजों की वो बाद में डिस्कस करेंगे. एटलीस्ट अभी एक बेसिक आप लोग रीड कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है या अभी तक जिसने भी न्यूरोडायनेमिक्स किया है तो किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ मुझे. क्लियर है मैम। मैम एक कैन वी डिस्कस अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सेटिंग द पेशेंट फॉर यूरोडायनामिक्स एंटीबायोटिक्स एंड व्हिच पेशेंट वी शुड गिव एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट। एक्चुअली एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, स्टेराइल यूलिन कल्चर इज अ प्री रिक्विजिट, ठीक है, और मतलब प्री रिक्विजिट इन द सेंस तुम इंडिकेशंस की बात कर रहे हो यूरोडायनेमिक्स में. मीन्स इफ रिपीटेडली यूरिन कल्चर इज कमिंग पॉजिटिव एंड कैन वी गो फॉर यूरोडायनामिक स्टडी इन सच पेशेंट्स। या वी कैन गो विथ अंडर एंटीबायोटिक कवर, सेंसिटिव एंटीबायोटिक कवर, उसी तरह से जैसे हम सर्जरीज करते हैं. ओके मतलब अगर उसमें कोई अर्जेंट इंडिकेशन नहीं है तो हम उसे डिफर भी करते हैं कई बार, पर अगर हम देख रहे हैं कि रिपीटेड कल्चर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग उसे अंडर एंटीबायोटिक कवर कर सकते हैं. मैम, कंडीशन सच एज इन व्हिच पेशेंट्स आर ऑन कैथेटर, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम दैट वी शुड गिव दैट मच रेस्ट टू द ब्लैडर, देन वी शुड प्रोसीड फॉर यूरोडायनामिक्स। नो, आई हैव नॉट गॉट दैट, एक्चुअली आई सर्च्ड फॉर इट. जितनी मैंने अभी पढ़ा है मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि इतने दिन पेशेंट ऑफ कैथेटर रहना चाहिए फॉर यूरोडायनेमिक्स, बट या दिस इज डेफिनेटली रिटन कि अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो कि ब्लैडर के फंक्शन को बेटर करती है, लाइक अल्फा ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, वो सब एटलीस्ट 1 वीक बंद होनी चाहिए. ओके और कैथेटर का मुझे नहीं मिला है. एक्चुअली इसको हम लोग एक बार पूछ भी लेंगे कंसल्टेंट से, बट आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन. एंड या फॉर श्योर दिस शुड बी, कॉन्स्टिपेशन शुड बी ट्रीटेड इन सच पेशेंट्स, ओके ये भी एक प्री रिक्विजिट है. तो चले फिर, तुम्हें और किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो शैल आई कॉल इट अ डे? यस मैम, डाउट्स होंगे तो कुछ। क्या सही सही भेज देना मुझे. थोड़ा मैम खुद पढ़ते हैं, अगर डाउट्स होगा तो विल डिस्कस। हाँ वही, एक बार खुद भी पढ़ लेना, ठीक है. इसमें एटलीस्ट मैंने तुम लोग को इतना बता दिया है कि इंटरप्रेट क्या करना है, जो अभी तक मुझे समझ में आया कि अगर तुम इतना इंटरप्रिटेशन दे दो ना जितना अभी मैंने बताया है, तो उसके बाद हम लोग क्लिनिकली कोरिलेट करके उसमें डायग्नोसिस बता सकते हैं. और हर बार जरूरी नहीं है कि यूरोडायनामिक स्टडी एक टर्मिनल स्टडी है, ठीक है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्लिनिकली और सब चीजें जो है वो रेडियोलॉजिकल सब कोरिलेट करके फिर एक डायग्नोसिस बताना. जी मैम, गोरा देवी का सिर्फ अंडर एक्टिव ब्लैडर आया, उसकी स्टडी में ज्यादा कुछ पता ही नहीं चला, उसको सिर्फ लो प्रेशर लो फ्लो था इसके अलावा और उसे कुछ भी नहीं था. तो और हम लोग इलेक्ट्रोबायोग्राफी उसकी समझ में नहीं आ रही थी, मतलब नॉर्मली लग रही थी. और हमारे यहाँ एक और होता है यूरेट्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री, वो अपने यहाँ होता नहीं है, तो इसलिए वो मैंने डिस्कस भी नहीं किया है. उससे भी बहुत ज्यादा पता चल जाता है यूरेथ्रा का स्टेटस, तो अगर वो पता चल जाए तो हम लोग फिर भी कुछ कर सकते हैं. तो ठीक है फिर, अगर और कोई डाउट आए तो बताना, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है ये भी बता देना. आई थिंक हम लोग ऐसे पर वीक या वंस इन 2 वीक्स इस तरह कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम माय जी साइड एटलीस्ट, मैम, जी मैम। कल ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी. वो नेक्स्ट पेशेंट का करना है जो बेड 5 पे है, कल उसका एक बार डिस्कस कर लेंगे तो उससे जो आज के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे मैम।
हाँ डन, बिल्कुल बिल्कुल, कल शशांक को मैंने बोला है करने के लिए। जी शशांक है क्या यहाँ पे, मतलब पता नहीं होगा कि नहीं, तो एक बार वो कर लेगा और फिर हम लोग को बता देगा। जी ठीक है, ओके मैम, चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम।